It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस जिम्मेदारी के कबूल किए जाने के बाद और जमात इस्लामी पाकिस्तान का मौकिफ इस पर सामने आया है वो क्या कहेंगे इस बारे में। उसके बाद साहब जमात इस्लामी समझती है कि जो वाकया हुआ यौम आशूर पर वो भी काबिल मजम्मत और उसके बाद जो फिर पैदर पे वाकयात उसके रद्द अमल के तौर पर सामने आए वो भी काबिल मजम्मत और जहां जहां गफलत हुई इन वाकयात को रोकने के हवाले से उनकी भी मजम्मत की जानी चाहिए। आप क्या कहते हैं और जो जिम्मेदारी कबूल की गई तहरीक तालिबान की जानिब से उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जो हुई यकीनी तौर पर उस पर एमक्यूएम तो उसकी मजम्मत कर ही रही है इस वाक्य के ऊपर, लेकिन हम ये देखें कि ये पूरे 17 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं जमात इस्लामी के लोग। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी के पीछे अगर उसकी डोरें कहीं से हिलती है उसका एंड इन्हीं के पास जाके मिलता है, चाहे वो GHQ पर हमला हो, चाहे वो श्रीलंका की टीम पर हमला हो, यानी कि हर चीज में इनके लोग मुलव्वित होते हैं। इनके घरों से तालिबान के लोग बरामद हुए हैं, आज ये कहते हैं कि हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं, ये किसी भी हमले की मजम्मत नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि पूरी 17 करोड़ लोगों को ये पता चल चुका है कि इस मुल्क के अंदर कौन लोग हैं जो लोगों को खून में नहला रहे हैं, किनके बेटों को उनकी माओ से जुदा कर रहे हैं। तो हम सब पाकिस्तानियों के मिलकर जमात इस्लामी को बायकॉट करना चाहिए और इनको पाकिस्तान की हुकूमत को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को ऑपरेशन करना चाहिए। होता है कि ये इस तरह के जो है ना आंखों उस वक्त दहाते हैं जब लोगों का रिएक्शन देखते हैं, वरना उसके पीछे हमेशा ये हमेशा हर हाल में ये हर बात में अमरीका को मोरद इल्जाम ठहराकर दूसरे लोगों को बताते हैं। हम कहते हैं कि जिसमें जिसकी गलती है उसको सजा दी जाए, लेकिन ये रोजाना की बुनियादों के ऊपर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, शहर को, सूबों को, मुल्क को खून में नहला रहे हैं ये लोग। तो मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया पूरे पाकिस्तानी अवाम को एक होकर जमात इस्लामी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। जी ये भी बताएं कि जो मजीद अगले 10 दिनों में धमकियां दी हैं मजीद हमलों की, तो आप क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुकूमत में भी शामिल है, क्या कोई लाया अमल कैसे तैयार किया जाएगा? देखिए इससे जो भी लाया अमल होगा वो इंशाल्लाह एमक्यूएम ने आज नहीं अल्ताफ भाई हमेशा से ये बात करते रहे हैं और इस सूरत हाल से हमें बचने के लिए पूरी कौम को एक होना होगा। और सिर्फ इसके अंदर यही नहीं है कि ये 10 दिन की बात है, बात दरअसल ये है कि ऐसी जंग है जिसके अंदर हम उस वक्त तक जो है कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम एक ना हो जाएं। इसमें ये इस बात पे कहना कि ब्लैक वाटर इसमें इन्वॉल्व है, इसमें रॉयल इन्वॉल्व है, ठीक है वो होंगे जो अपनी जगह, लेकिन बात दरअसल ये कि आप भी तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। वो कौन लोग हैं जो उन लोगों को प्रमोट करते हैं, तहरीक तालिबान के लोग को वो सपोर्ट करना, लियाकत बलोच साहब अपनी एक बात कह रहे हैं कि पानी खत्म हो गया, ये उस वक्त कहां मौजूद थे, ये टैंकर में बैठे हुए थे और फायर फाइटर के, इस तरह की बातों के ऊपर जब कौम को जरूरत होती है जख्मों पर मरहम रखने की, जब इस्लामी के लोगों ने हमेशा अगर वतीरा बना लिया है कि अपने आप को पॉइंट स्कोर करना, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं कि इन लोगों का बायकॉट करना चाहिए। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आवाम को धोखा दे रहे हैं और अपने जो है ना पॉइंट स्कोर करते हैं। आपका शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब, आप ARY न्यूज से बात कर रहे थे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के रुकन हमारे साथ मौजूद थे और इस खुदकुश हमले की तालिबान